हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आजकल मार्केट में एक स्मार्टफोन की जो हाइप है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है, जिसका नाम है रेडमी नोट 11 प्रो मैक्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि इस स्मार्टफोन में आप लोगों को आखिरकार ऐसे कौन से स्पेसिफिकेशन मिल रहे हैं जिससे कि इस स्मार्टफोन की हाइप इतनी ज़्यादा क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो से आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल में इस स्मार्टफोन के सारे स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ, और साथ ही वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि स्मार्टफोन कब तक इंडिया में आ जाएगा और इसका प्राइस आखिरकार इंडिया में क्या रहने वाला है। तो चलिए, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सो वीडियो शुरू करने से पहले एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौंडे दिख जाना चाहिए, ये 4000 के लिए मैं यहां पे नहीं खड़ा हूं, पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, लाइक ठोकी दबा के। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार इस फोन में आप लोगों को डिस्प्ले कैसी मिलने वाली है। तो इसमें आप लोगों को 6.7 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलेगी, जो आएगी फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन के साथ में। और साथ ही रेडमी वालों का कहना है कि जो डिस्प्ले इसमें यूज की गई है वो सैमसंग की डिस्प्ले है। तो इस डिस्प्ले में आप लोगों को क्वालिटी तो ऑसम लेवल की मिलने ही वाली है। इसी के साथ साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आप लोगों को इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, ओवरऑल जो डिस्प्ले होने वाली है वो एकदम बेहतरीन लेवल की आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो डिस्प्ले वाइज तो ये स्मार्टफोन काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है। आप लोग इसमें फुल FPS पे यहाँ पर पबजी वगैरह प्ले कर सकते हो, कोई भी लैग वैग देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा स्मूथली रन करने वाली है। इसके बाद अगर बात कीजिए कैमराज की, तो बैक में इसमें आप लोगों को 4 कैमराज का सेटअप मिलेगा। जो मेन कैमरा होगा वो 108 मेगापिक्सल का होगा, जो दूसरा कैमरा होने वाला है वो 16 मेगापिक्सल का होगा, और बाकी के जो दो कैमराज होंगे वो 5 मेगापिक्सल के आप लोगों को मिल जाएंगे। अगर फ्रंट कैमरा की हम बात करें तो फ्रंट में आप लोगों को 32 मेगापिक्सल का एक बहुत ही बेहतरीन सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों, कैमराज का सेक्शन भी इस फोन में आप लोग काफ़ी बेहतरीन ही देखने को मिलने वाला है। इसके बाद अगर बात की जाए दोस्तों प्रोसेसर की, तो इसमें आप लोगों को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 780G का एक 5G चिपसेट देखने को मिल जाएगा, जो कि गेमिंग के लिए काफी बेहतरीन माना जाता है। गेमिंग में ये प्रोसेसर काफी बेहतरीन माना जाता है। इसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो एंड्रॉयड 12 पर ये वर्क करेगा, और इसका जो बेस वेरिएंट है इसमें आप लोगों को 6GB की रैम और 108GB की इंटरनल स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगी। अगर बैटरी की हम बात करें तो 5000 mAh की आप लोगों को इसमें बड़ी बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में ही आप लोगों को 65W का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल कुछ इस तरह का ये फ़ोन आने वाला है, कुछ इस तरह के आप लोगों को इसमें फीचर्स देखने को मिलेंगे। अगर प्राइस की बात करें तो अभी तक जितना सुनने में आ रहा है, जितनी स्पेसिफिकेशंस इसकी दी गई है, और लीक्स के मुताबिक इस स्मार्टफोन का जो प्राइस है वो 25,000 से नीचे रहने वाला है इंडिया में, और ये लगभग मई में आप लोगों को इंडिया में देखने को मिल जाएगा। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।